तो मैंने पहले उससे रेंट पूछा कि भाई रेंट क्या है, तो उसने मुझे बताया कि 7500 रुपये रेंट है। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि यहाँ 11-12 हज़ार से कम में हॉस्टल मिल नहीं रहा था, और अब मुझे 7500 वाला हॉस्टल मिल चुका है। तो मैंने उससे बोला कि भाई एक बार हॉस्टल दिखा दो, तो उसने मुझे हॉस्टल दिखाया। मैं आपको हॉस्टल का नाम भी बता देता हूँ। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर वीडियो एंड तक देखिएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों का ये कमेंट्स आ रहा था कि भैया आप अपने हॉस्टल के बारे में बताओ, आपका हॉस्टल कितना का है, आपका हॉस्टल का क्या क्या फैसिलिटी है, आपने कैसे हॉस्टल ज्वाइन किया। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी हॉस्टल ज्वाइन किया था, मैंने भी कभी हॉस्टल में समय बिताए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक पीजी रूम लेके रहता हूँ, अभी मैं कोई भी हॉस्टल में नहीं रहता हूँ, बट मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि मैंने कैसे हॉस्टल ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं जब कोटा फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे भी कोई नहीं जानता था, न मैं किसी को जानता था, मैं भी नया था, जैसे कि आप लोग नए होते हैं जब फर्स्ट टाइम कोटा आते हैं। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोटा आते हो तो आपको कैसे हॉस्टल मिलता है, मुझे कैसे हॉस्टल मिला, मतलब पूरा आज इस वीडियो में मैं अपना स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम कोटा आया था तो मैं कैसे हॉस्टल ढूंढा था, मैंने कैसे ज्वाइन किया था, और क्या क्या मेरे हॉस्टल में फैसिलिटी था, क्या रेंट था, और मुझे वहाँ पे क्या क्या दिक्कत हुआ, सब कुछ जो भी डिटेल होगा मेरे हॉस्टल का और मेरे से रिलेटेड, सब कुछ आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप कोटा आना चाहते हैं, अगर यहाँ के हॉस्टल ज्वाइन करना चाहते हैं, या अगर आप फ्यूचर में कभी भी हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइज़ मैं अप्रैल के महीना में 2021 में कोटा आया था, ठीक है। तो गाइज़, 21 में फेज़ वन स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि मुझे एडमिशन लेना था नैनोरा बाड़न रोड एलन का सुपथ बिल्डिंग में। फेज़ वन स्टार्ट हुआ था लीडर का। तो गाइज़, उस समय कोविड का कोई भी समय नहीं था, आगे चल के 15-20 दिन बाद कोविड आ गया था, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट वो अलग चीज़ है। अभी हम बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो गाइज़, सुपथ बिल्डिंग जो है नैनोरा बाड़न रोड, आप सभी को पता है कि थोड़ा सा ऑफ साइड पड़ता है, मतलब कि सिटी से थोड़ा सा ऑफ पड़ता है। तो गाइस, सुपथ बिल्डिंग के सामने ही एक कोडल पार्क एक कैंपस है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे हॉस्टल हैं, 90% जो बच्चे होते हैं वो कोडल पार्क में ही रहते हैं। तो गाइस, हम भी गए स्टार्टिंग में, मुझे भी नहीं पता था पीजी कहाँ मिलेगा और हॉस्टल कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं पता था, बस सामने देखे कोडल पार्क है, हॉस्टल दिख रहा है, तो अंदर हम भी घुस गए, अपने एक दोस्त के साथ गए थे। तो गाइस, वहाँ पे अंदर में घूमते घूमते 12,000-13,000-11,000 से कम में हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो गाइज़, हमने हार मान लिया, हमने सोचा कि अब फेज़ टू का इंतज़ार करते हैं, फेज़ टू या थ्री स्टार्ट होगा तो वो इधर समुन्नत या सत्यार्थ में स्टार्ट होगा, तो उधर ही हॉस्टल ले लेंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा सस्ता में मिल जाता, क्योंकि गाइज़ हमारा जो बजट था वो लास्ट 9,000 था, अगर उससे कम में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 9 से ऊपर तो हम नहीं बढ़ने वाले थे। तो गाइज़, ऑलमोस्ट 90% हमने कोडल का हॉस्टल छान मारा, ऑलमोस्ट तो हॉस्टल भर ही चुका था, बहुत कम ही खाली था, और खाली भी था तो एक रूम दो रूम करके ऐसे, क्योंकि जो भी लीडर का जो फेज़ वन स्टार्ट हुआ था वो सुपत में हुआ था और बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन लिए थे। तो गाइस, सब कुछ ढूंढने के बाद एक रैंडम एक बच्चा मिला एलन का ही, वो फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा था, तो उससे मैंने पूछा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा बात है, मुझे हॉस्टल लेना है। तो उसने बोला कि भाई मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ उसमें 2-3 रूम खाली है, तुम चाहो तो उसमें हॉस्टल ले सकते हो। तो मैंने पहले उससे रेंट पूछा कि भाई रेंट क्या है, तो उसने मुझे बताया कि 7500 रुपये रेंट है। तो गाइज़, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि यहाँ 11-12 हज़ार से कम में हॉस्टल मिल नहीं रहा था, और अब मुझे 7500 वाला हॉस्टल मिल चुका है। तो मैंने उससे बोला कि भाई एक बार हॉस्टल दिखा दो, तो उसने मुझे हॉस्टल दिखाया। मैं आपको हॉस्टल का नाम भी बता देता हूँ। गाइज़, मैंने ज्वाइन किया था RK रेसिडेंसी गुमती करके, ऐसे एक हॉस्टल था कोडल पार्क में। गाइज़, हॉस्टल बहुत अच्छा था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हॉस्टल का जो फैसिलिटी था सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब कि डेली रूम क्लीनिंग था, और हॉस्टल के जो भी मेंबर्स लोग थे वो बहुत अच्छे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब हम हॉस्टल जाते हैं तो वहाँ का जो वार्डन था उससे बातचीत हुआ, तो उसने मुझे 9,000 रूम रेंट बताया। तो मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो उसने बोला कि भाई ये 4-5 महीने पहले से रह रहा है, जब हॉस्टल में कोई नहीं था, तो उस समय 7500 में हॉस्टल हमने इसे दिया था, बट अभी 9,000 से कम में नहीं हो पाएगा। तो गाइस, उस दिन हम बात वगैरह करके वापस यहाँ विज्ञान नगर चले आए अपने दोस्त के रूम पर। फिर यहाँ से मैंने अपना सामान उठाया, ऑटो बुक किया और वहाँ चला गया। तो गाइज़, हमने बोला थोड़ा सा कम करने के लिए कि कम से कम 8,085 में कर दो, बट 1 रुपये भी कम नहीं हुआ, 9,000 में हमें हॉस्टल ज्वाइन करना पड़ा। तो हमने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उससे कम में वहाँ पे हॉस्टल कोई मिल ही नहीं रहा था।
तो गाइस 9000 में हमने हॉस्टल ज्वाइन किया, 9000 सिक्योरिटी मनी उन्होंने मांगा जो मैंने नहीं दिया था, और उसके बाद गाइस इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो आपको ऊपर से देना होता है, मतलब कि 9000 सिर्फ आपका लगता है रहने का, होम क्लीनिंग उसी में रहता है, रूम क्लीनिंग जो भी हो डेली रहता है वो, लॉन्ड्री और खाना, इतना चीज़ आपका 9000 का, और एडिशनल बस आपका लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी यूनिट होता है 9 रुपये यूनिट 10 रुपये यूनिट उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है। तो गाइस ये तो हो गया हमारा हॉस्टल का बात। तो हॉस्टल ढूंढने में मुझे भी मतलब 1-2 दिन खोजना पड़ा था, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन था कि कैसे मिलेगा कैसे, तो ऐसे करके हॉस्टल मिला। तो गाइस ये तो मैंने बता दिया कि मुझे कैसे हॉस्टल मिला था, अब मैं आपको गाइस बताता हूँ कि हॉस्टल ज्वाइन करने के बाद मुझे वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो गाइस जो सबसे पहला और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम था वो था गाइस खाना, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल था उसका खाना बहुत ही मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता था। और गाइस ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, मेरे फ्लोर के जो भी बच्चे थे 10-12 बच्चे, हम सबको खाना अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि पूरे हॉस्टल में किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगता था। गाइस हम लोग डेली कंप्लेन करते थे वार्डन को, हॉस्टल के मालिक को भी कंप्लेन करते थे। तो वहाँ का क्या सिस्टम था कि हॉस्टल कोई और चलाता था और ऊपर में जो मेस था वो कोई और चलाता था, तो हमने मेस वाले को कभी भी कंप्लेन किया बट खाना अच्छा नहीं हुआ। तो वो जो हॉस्टल जो छोड़ने का जो मेन रीज़न था, एक तो कोविड था हमें घर जाना था, और दूसरा था कि वहाँ का खाना, क्योंकि कंप्लेन करने के बाद भी खाना अच्छा नहीं हो रहा था। हमने 4-5 बार कंप्लेन किया, वो भी 1-2 बच्चा नहीं, 20-25 बच्चे एक साथ जाके कंप्लेन करते थे, बट खाना में सुधार नहीं हुआ था, खाना जैसा का तैसा ही मिलता था। तो गाइस हम लोग घर चले गए थे क्योंकि कोविड का समय आ गया था। बट जब हम वापस कोटा आए तो उसके बाद मैंने कोई भी हॉस्टल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरा खाना से बिल्कुल ही मन उतर चुका था हॉस्टल का, इसी के लिए मैं पीजी रूम की तरफ गया। और गाइस मुझे वहाँ 20-25 दिन रहने में आइडिया भी लग गया था कि कहाँ पीजी रूम मिलेगा और कोटा का क्या सिस्टम है कैसे कैसे। जब आप कहीं भी रह लेते हो 10-15 दिन तो आपको मतलब बगल का हाव भाव पता चल जाता है कि हाँ कहाँ क्या है क्या सीन है। तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, तो अभी तक पीजी ही चल रहा है। बाकी यही मेरा कहानी था, ऐसे ऐसे करके मुझे हॉस्टल मिला था और 9000 मेरा हॉस्टल का रेंट था। हॉस्टल बहुत अच्छा था, फैसिलिटी भी वहाँ का सब कुछ ठीक था, बस खाना का प्रॉब्लम था, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। और कोई आज तक हॉस्टल में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना वहाँ के लोगों से और ना कुछ भी मतलब पढ़ाई लिखाई या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना वहाँ के लोगों से मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो गाइस ऐसे करके मुझे हॉस्टल मिला था। तो यही मेरा मतलब स्टोरी था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको भी हॉस्टल ज्वाइन करना है तो यही सिस्टम होता है, ऐसे ही खोजना पड़ता है सबको, स्टार्टिंग में मेहनत करना होता है, कोई किसी को नहीं जानता, आपको ढूंढना पड़ेगा खून पसीना बहा के, उसके बाद ही मिलेगा। तो गाइस यही सिस्टम था, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।